हाँ तो जी, वेलकम है आप लोगों का हमारी किचन में। ये देखो कितनी सुंदरता से मम्मी प्याज काट रही हैं, लेकिन मुझसे फास्ट फिर भी नहीं काट सकती। मैं कभी दिखाऊंगा आप लोगों को कितनी तेज़ मैं काटता हूँ। अभी देखो, अब आलू कट रहे हैं, आज कुछ बनने वाला है स्पेशल, क्योंकि आलू और प्याज जब भी ये गोल गोल कटते हैं, मतलब कटते तो हैं लेकिन तब गोल गोल बनता है, तो कटता है तो तब कुछ स्पेशल बनता है। वो मैं दिखाता हूँ आपको कि क्या बनने वाला है। ये देखो यार, गरम गरम पकौड़ी, चाय और मौसम बारिश वाला, इससे अच्छा और क्या चाहिए। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, दिस इज शुभम गर्ग एंड यू आर वॉचिंग लाइफ इन शॉर्ट। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, और अगर आप लोग अच्छे नहीं हैं तो अच्छे हो जाओगे क्योंकि आप जुड़ चुके हो मेरे साथ। यू गाइज कांट एबल टू बिलीव के इतनी सब कुछ प्लानिंग होती है कि घर पे जाके ये कुछ करना है, ये कुछ करना है, ये सब काम करना है, लेकिन उसके बाद भी घर पे जाके कोई काम नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि मन पूरा प्रॉपर आराम में होता है। रात 1 बजे तक वीडियो एडिट की है, अभी अपलोडिंग पे चालू है। नेटवर्क इशू है थोड़ा सा, क्योंकि बारिश भी है। जो हम लोगों की साइड है उसमें सारे मौसम हम लोग देख सकते हैं, सारे मौसम का हम लोग इन्जॉय कर सकते हैं। गर्मी, सर्दी, बारिश, सब कुछ हम एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं अकेला ही क्यों एंजॉय करूं? अगर मौसम अच्छा है तो आप लोगों को भी दिखाना बनता है। तो चलो ठीक है, साथ में एंजॉय करते हैं। खाने में क्या है, खाना क्या बन रहा है, तो उसके लिए हम चलते हैं अपने किचन में, जहाँ पे मम्मी अच्छा सा बना रही है। Keep it softly spoken, with no strings tying you to me. Happy in your company with no emotion. सारी खूबसूरती इन ग्रीनरी में ही छुपी होती है गांव में। देखो कितने शांति से ये बुगले बैठे हैं वहाँ पे, और छत पे आते इनको देखते ही मन ऐसा हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल मस्त हो जाता है। साधारण इंसान के लिए साधारण सी बात है कि मस्जिद और मंदिर गांव में साथ हैं। ये बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है हमारी अच्छे कल्चर का और हिंदुस्तान के प्यार का। यो शुभम, थारा भाई शुभम, इतनी बरसात में कंपनी चला जाएगा, इतनी बरसात में ऑफिस चला जाएगा कि कंपनी वालों ने और राम जी ने सोची ना होगी। यो शुभम, थारा भाई शुभम, इतने सस्ते केले खरीद देगा, इतने सस्ते केले खरीद देगा कि केले बेचने वाले ने सोची ना होगी। बारे 20 रुपए के बारे, 30 वाले 20 रुपए के बारे, के बारे सुन रहे हो ना, 30 वाले केले 20 रुपए दर्जन हो गए। कभी कभी लेट निकला करो घर से, क्या होता है कि घर पे जल्दी जाने के लिए और अपना सामान जल्दी खत्म करने के लिए क्या होता है, फ्रूट सेलर या कोई भी सेलर हो, वो थोड़ा नेगोशिएट और कम करके खुद ही अपने हिसाब से लगा देता है। तो दिन में 30 रुपए के बारे होंगे और अब दिन में 20 के बारे। बनिया बुद्धि ओके। यो शुभम थारा भाई शुभम, इतनी चाउमीन खा जाएगा कि चाइना वालों ने सोची ना होगी। यो थारा भाई शुभम आज घर जा रहा है, और घर जाकर इतने परांठे पाड़ दूंगा ना मम्मी के हाथ के कि मम्मी ना सोची भी ना होगी। यो थारा भाई शुभम, ये दोनों सेरू मिले अब बढ़िया बिस्कुट खुआ दूंगा ना, इन्होंने सोची ना होगी।
थारा भाई शुभम है, यो थारा भाई शुभम है। घर वालों ने सोची थी कि पढ़ लिख कर नौकरी करेगा, नौकरी पे तो हूं ही पर यूट्यूब पे भी ऐसा नाम बना दूं ना कि किसी ने सोची ना होगी। देखो फेमस होना कौन नहीं चाहता, सब फेमस होना चाहते हैं, लेकिन एक नेम फेम अगर बहुत जल्दी इंसान को मिल जाए तो उसकी इतनी रिस्पेक्ट नहीं कर पाता है। मेरे को ही बिना कुछ किए सब कुछ मिल जाए तो शायद से मैं उसको हजम नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे एकदम से सब कुछ मिल गया है। ऐसे ही भाई के साथ हुआ, थारा भाई जोगिंदर, जो कि रहने वाला शायद हरियाणा का है। उसका क्या था, उसने वीडियोज अपलोड की, फिर उसके बाद में उसका रोस्ट हुआ, तो उसने उस रोस्टिंग का प्रॉपर एकदम से तुरंत रिप्लाई किया। वो शायद ओफेंड भी हो गया, ओफेंड होके ही उसने रिप्लाई किया। और उसके बाद में जब रिप्लाई होता है तो क्या होता है कि रिप्लाई के रिप्लाई में उसको हाइप मिलने लगी, और हाइप मिलते ही सब कोई व्यूज़ के लिए सब कोई करता है, व्यूज़ और फेम के लिए सब कोई यूट्यूब पे है। मैं भी यही चाहता हूँ कि लोग मुझे देखें, लोग मुझसे जुड़ें, मैं भी यही चाहता हूँ, और कोई भी एक्स वाई जेड यही चाहेगा अगर यूट्यूब के ऊपर है। मतलब यहाँ पे यही ऐड करना चाहूँगा कि अगर कोई भी अगर तुम कोई भी काम करो उसको लेके कोई भी हाइप बनाए, काम की मजाक बनाए, तो उसका शायद से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि उसका रिप्लाई हम ना करें तो ही उसमें हमारी सूटेबिलिटीज़ हैं। हम उसका रिप्लाई ना करके अपने काम पे फोकस करें। अगर तुम्हें एकदम से सब कुछ मिल जाए तो उसकी रेस्पेक्ट करना सीखो, उसको हाइप में बना के उसको ओवर फ्लो करके तुमने कुछ नहीं मिलना है। तुम अच्छा कर रहे हो ये तुम्हें पता है, तुम गंदा कर रहे हो वो भी तुम्हें पता है। अब मैंने जो भी ये वीडियोस बनाई, जो भी जैसे भी प्रॉपर किया, ये भाई का एक्सेंट था, थारा भाई जोगेंद्र का। बुरा भी लगता है इंसान को अगर रोस्ट बन जाता है, और उसका कहना यही है कि मेरी फैमिली इस रोस्ट को देखती है तो शायद उसको बुरा लगता है। लेकिन जितनी तुम चीज़ों की सफाई देने में लग जाओगे तो वही चीज़ कभी कभी तुम्हारे लिए हार्मफुल हो जाती है। तो बस यही एक छोटा सा मैसेज था कि अपनी कोई भी चीज़ का एकदम से ओवरफ्लो लेके उसको बिल्कुल भी नेगलेक्ट ना करें, उसकी रेस्पेक्ट करें, यही एक अच्छे इंसान की आइडेंटिटी होती है। बात फिर से यही आ जाती है कि वो अपना भाई फेमस क्यों था, क्योंकि जो सिनेरियो ऐसे क्रिएट हुआ, वो सिनेरियो इसी वजह से क्रिएट हुआ कि जो भी लोग उसको बोलते वो उसके तुरंत बाद उसको समझाने के लिए, उसको भले ही कुछ भी कराने के लिए वो उसको फिर दोबारा से बोलता कि ऐसे नहीं है। और अब वजह क्या है, वजह यही है कि जब भी कोई हाइप क्रिएट होती है, जब भी किसी चीज़ का मैटर होता है, तो हमें उसको पोलाइटली लेना चाहिए। हम उसको पोलाइटली लेंगे तो चीज़ें अच्छी होने लग जाती हैं। रिकग्नाइज होने के भी दो वे हैं, एक अच्छे वे में, एक बुरे वे में। तो मतलब यही सिनेरियो तुम्हारा होना चाहिए कि अगर तुम कुछ क्रिएट कर रहे हो, अगर तुम कोई भी क्रिएटर हो तो कुछ भी क्रिएट कर रहे हो तो उसको अच्छे वे में लेके आओ, उसको अच्छे वे में क्रिएट करो। मेरे इतने सब्सक्राइबर नहीं हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं कोई अगर चीज़ अगर मैं डालने वाला हूँ, कोई मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ यूट्यूब पे, तो मेक श्योर कि वो किसी को भी ऐसे वे में ना लगे कि जिससे दिक्कत या परेशानी हो। कल को फैमिली भी मुझे देखेगी, या फिर कल को मैं ही अपनी वीडियो देखूं तो मुझे ऐसा बिल्कुल फील ना हो कि हाँ मैंने ये कुछ गलत बोला है, फिर कुछ गलत किया।